तो शुभारंभ किया जाए। हाँ कीजिए ना। आप यजमान के पधारने के पश्चात ही नाग देवी की विशेष पूजा आरंभ होती है। आज नाग चतुर्थी है, बहुत ही शुभ दिन है। स्वामी जी, हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हम हमारी कुल देवी नागेश्वर की पूजा करते हैं। देवी के दर्शन भी हो गए और ये बच्ची का वरदान भी मिल गया। माते, कौन है? तू है? हाँ मैं ही हूँ, चल कर। नमक हराम कहीं के, मुझ पे स्मगलिंग का इल्जाम लगवा कर तूने मुझे जेल भिजवाया। 24 घंटे के अंदर ही मैं बाहर आ गया, देखा मुझे तो क्या समझता है। तू एक मामूली सा फॉरेस्ट ऑफिसर है, मैं चाहूँ तो तेरा पूरा डिपार्टमेंट ही खरीद सकता हूँ। मैं तो जेल से आजाद हो गया, लेकिन तुझे मैं इस दुनिया से आजाद कर दूंगा। सुनिए, सुनो, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम चली जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। भाग जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, बच्ची को ले जाओ। क्यों बे, अपनी बीवी को भगाता है? उसने हमें देख लिया है, पुलिस में रिपोर्ट कर देगी, उसे भी मार डालो। जाओ, चलो। Thank you.
क्या हुआ बेटी, मैं तुम्हें और कितने वचन दूं? मैं भी तुम्हारी तरह वचनबद्ध हूँ, इसीलिए मुझे पराशक्ति कहते हैं। तो ऐसे में तुम्हारे बुलाने पर मैं नहीं आऊंगी क्या? आ जाओ बेटी, आओ। यानी अब इस बच्ची को मैं पालूं? जब पूरे जगत की देखभाल मैं स्वयं करती हूँ, तो मैं इस बच्ची की देखभाल भरा क्यों नहीं करूंगी? आज से ही ये मेरी बच्ची है।
पराशक्ति, मुझे देखकर कुछ याद आ रहा है। नृत्य सिखाने वाला नटराज आया है। मैं अपने जीवन की कहानी तुम्हारे सामने खत्म करने आया हूँ। न जाने कितने लोग मुझसे नृत्य सीखने आया करते थे, लेकिन अब मुझे देखते ही दूर भाग जाते हैं। क्यों, मेरी कला में कोई खोट है? नहीं, यहाँ के लोगों में दिलचस्पी खत्म हो गई। माते, मेरी नृत्य कला का कोई वारिस नहीं है ऐसा मानकर ये अमीर घर की लड़की को नृत्य सिखाने के लिए गया। लड़की को नृत्य सिखाने की जरूरत नहीं है, ये पैसे रख लो, अपना घर चला लो कहा। मुझे उन्होंने एक भिखारी समझा माते, एक भिखारी समझा। माते, जब यह नृत्य नटराज चला करता था उस वक्त मेरा बोलबाला था, मेरी शोहरत थी। घुंघरों की झनकार बजाने वाले को एक भिखारी बना के रख दिया। ये बदकिस्मती तो धरती पर एक बोझ है, ऐसे में मैं जीकर क्या करूं? बोलो माते, शिव शक्ति बोलो। भक्ति सुर निकालने वाली वीणा को पैरों से बजाना चाहिए क्या? बोलो शिव शक्ति बोलो। देवी देवताओं का रथ खींचने वाला हाथी बाजार में जाकर भीख मांगेगा क्या? बोलो माते, शिव शक्ति बोलो। जो अनावश्यक होता है उसे लोग कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, ठीक वैसे ही जो किसी काम का नहीं है मेरा ये शरीर। देवी, आज तुम्हारे सामने ही मैं नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे ही त्रिशूल से आज मेरे ही शरीर से प्राण निकल जाएंगे। मत। उमा महेश्वरी, ये क्या दादाजी ऐसे देख रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? आपने अभी तो कहा था उमा महेश्वरी, ऐसे ही बुला लीजिए मुझे। ठीक है, ऐसे ही बुलाऊंगा। दादाजी, मैं आपके साथ चलूं? मुझे भी आप नृत्य सिखाएंगे क्या? माते, अखंडेश्वरी,
मेरी नृत्य कला को आगे बढ़ाने के लिए तूने स्वयं अपना वारिस मेरे पास भेज दिया। उस नटराज के साथ करोड़ों नृत्य करने वाली देवी, तूने आज इस नृत्य नटराज को एक वरदान प्रदान कर दिया। माते, मेरे ऊपर जो तुम्हारा विश्वास है, अपने जीते जी इन पैरों से जो घुंघरों की आवाज निकलेगी वो इस पूरे जगत में प्रख्यात हो जाएगी। मैं वचन देता हूँ, आओ बेटा। मैं नहीं आऊंगी, अपनी माँ को छोड़ के मैं नहीं आऊंगी। माँ ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। नाग माता आप आएंगी तो मैं जाऊंगी। हमारी आंखों को ना दिखने वाली देवी परम शक्ति माते हैं। जो बेचारा बोल नहीं सकता है वो सांप बच्चे की सुरक्षा के लिए जा रहा है। कितनी विचित्रमय है ये बच्ची। आओ बेटी। माँ मुझे आज्ञा दीजिए। नागमाता चलो। आयुष्मान भव, उमा। क्या है दादाजी? तालाब पे जाकर फूल तोड़कर पूजा के लिए पानी लेकर आओ। जी ठीक है। आई दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है। आ गई लड़की, आ गई। चूड़ियों की आवाज आ गई क्या? आज आज दाहिना पैर अंदर रख के आ जा। दाहिना पैर कहाँ है? ये तो क्या कह रहा है? दाहिना पैर रख के आने के लिए ही मैंने कहा। तू अकेली आई क्या? नहीं तो क्या बहनों को साथ लाएगी? रिश्तेदार नहीं आई, यही पूछा। अगर रिश्तेदारों को साथ में ले आई तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। भूत है क्या? तू क्या डर रहा है? कुछ नहीं, आइए। आजा, भूत बोल के डरा रहा है। आजा, आजा, आजा। लौंडिया पसंद है ना? बिल्कुल मोहिनी लग रही है। आई, तुम ये बात जान गए? क्या? कुछ नहीं, मोहिनी की तरह है, बिल्कुल यही कहा। मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? इसे सुना नहीं? क्यों रे? हड्डी है। कहाँ? यहाँ हड्डी है ये मैंने कहा। यहाँ हड्डियाँ नहीं तो मांसपेशियाँ होंगी। बिना छुए बात करो। मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? नहीं भैया, तो शादी के बाद पसंद करेगी, बिल्कुल भूत की तरह। आई, ये क्या तू बहुत देर से भूत पिशाच की बात करे जा रहा है? क्यों, क्या हुआ? चुप रहे। आखिर हुआ क्या? ये भूतनी की तरह लग रही है, मैं आदमी की तरह लग रहा हूँ। जैसे भूतनी अंदर आ गई हो इस तरह से बात किया जा रहा है।
मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उल्लू का बट्ठा नहीं हूँ। हाँ वो तो पता चल ही रहा है कि तुम कौन हो। कौन यही की भरा वजह, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। मालाएं पहना दो। ये गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? एकदम से जो माला पहना दो, एक शुभ दिन निकाल कर देवी माँ के मंदिर में जा। ये क्या, ये लड़की इस तरह से घूम रही है? जब दुनिया घूमती है तो लड़की भी घूम रही है। खाली ये घूम रही है, दूसरे लोक की कन्या है। देव लोक की है क्या? बिल्कुल सही, देवी का नाम लेते ही ये घूमने लगती है। ये कन्या घर को मंदिर मानती है। लाखों में एक है। अरे तूने इसे कहाँ से पकड़ा? मैंने इसे कहाँ पकड़ा, इसने मुझे पकड़ा और मैंने इसे पकड़ कर तुम्हें दे दिया। चाय ज्योतिष महाराज, इतनी जल्दी मेरे लिए भाभी ले आएंगे मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है, अभी तो तेल देखना, तेल की धार देखना। ये लीजिए चाय। चाय भाई एक तरफ रख, पहले माला उठा के दे। हाँ, वर की माला वही है ना, जल्दी दे दे। एक दूसरे को पहनाओ। पहना दी, अब मंगलसूत्र की बारी। अरे तुम्हें नहीं, मंगलसूत्र से पहनाओ। पता नहीं क्या होने वाला है। और क्या होगा, मंगलसूत्र पहनाने के बाद सुहागरात होगी। ठीक है पहनाओ। ला, बाप रे। नाग माता, आपका चेहरा देखती हूँ ना तो मेरा दिन अच्छा निकलता है। नाग माता, देर हो गई ना, रुकिए नहा कर आती हूँ। नाग माता, फूल और बिंदी पहले ही निकाल दी। ठीक है, बिंदी लगा दीजिए। देखो तो फूल लगा दो। नाग माता, अब चलो पूजा करने। माँ, आज मेरा नृत्य होने वाला है, आपकी कृपा से सब अच्छा होना चाहिए, आशीर्वाद दीजिए। माँ, तुम्हारे नृत्य की तैयारी करके आता हूँ। ठीक है दादाजी, चलो अब चलिए। कहाँ गया? क्या है नाग माता? ओह वहां पर है। भरतनाट्यम होने वाला था और मैं नीचे गिर गई, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, माँ मेरे पाँव में मोच आ गई, मैं कैसे नाचूंगी? माँ उफ़, दादा भी घर पे नहीं है। माँ बहुत दर्द हो रहा है। आ, 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 आ,
नाग देवी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो मैं जानती हूँ। चिंता मत करो, उमा का उपचार मैं करूंगी। नाग माता, भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। उमा, आप कौन है माई? तेरे पैर में मोच आ गई है, ऐसा नागदेवी ने मंदिर में बताया। ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी, इसीलिए तुझे देखने के लिए आई हूँ। ये पाँव का दर्द भी इतना बड़ा नहीं है माँ। अपनी माँ के मंदिर में आज मैं पहली बार नाचने वाली थी माँ, कहीं मैं आज नाच नहीं पाऊँ इस बात से मुझे डर लग रहा है। चिंता मत कर, माँ के मंदिर का चंदन लाई हूँ, सर्व रोग निवारण। घबराओ नहीं, ये लेप लगाने से सारा दर्द दूर हो जाएगा। लाओ लगा देती हूँ। आप मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही लगा लूंगी। आप उम्र में बड़ी हैं, मेरे पाँव मत छूइए। माँ बच्चे के पैर छुए इसमें कुछ गलत नहीं, लाओ। माँ, मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? तो मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों? तुम्हारा पैर अच्छा हो जाएगा तो तुम नृत्य करोगी, उसे देखकर मैं भी तो खुश होंगी ना। नृत्य से आपको इतना प्यार है माई? इतना प्यार क्या? नृत्य तो मानो मेरे प्राण है। मेरा नाम है शिवगामी और मेरे उनका नाम है नटराज। वो भी अच्छा नृत्य करते हैं। जब वो नृत्य का तांडव करते हैं तो देखने के लिए हजारों आँखें चाहिए। इस नृत्य कला का वही आधार है, ऐसा सब कहते हैं। सच कह रही है? मंदिर की घंटी बज रही है, पूजा के समय मुझे वहाँ होना चाहिए। तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी, अब मैं चलूं? तुम अभी तक यही हो? उसका पैर ठीक हो गया है, देख लेना मंदिर में बहुत बढ़िया नाचेगी। अब तुम भी जाओ। नमस्ते शास्त्री, नमस्ते शास्त्री जी। अरे रे, आइए आइए आइए, आप कैसे हैं? आपकी कृपा से अच्छा हूं शास्त्री जी। बैठिए ना। लक्ष्मी, धर्म सिंह जी आए हैं, चाय ले आओ। हाँ तो कहिए, क्या बात है? और क्या शास्त्री जी, इस साल का नाग पंचमी का महोत्सव आरंभ होने वाला है। हाँ? ना, परंपरा अनुसार शहनाई आप ही बजाते हैं ना? सालों साल मैं ही तो बजाता आया हूँ, लेकिन इस साल पहली बार मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुरली बजाए। ये बात है। हाँ, अगर आप चाहे तो उसे मौका दे सकते हैं। इसमें मौका देने की क्या बात है, वो भी बढ़िया बजाते हैं मैंने सुना है, तो उन्हें ही बजाने दीजिए। नमस्ते। नमस्ते, लीजिए, आप भी लीजिए। अच्छा, आपका बेटा मुरली कहाँ है? वो देखो, मेरा बेटा मुरली आ गया। आओ बेटे, देखो कौन मिलने आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। इस साल तुम हमारे मंदिर में शहनाई बजाने वाले हो, सुनकर खुशी हुई। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी। अच्छा अच्छा, हम चलते हैं। ये क्या पिताजी, पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं ये। इस साल से नाग पंचमी महोत्सव में तुम ही शहनाई बजाओगे। क्या कहा, पत्थर के सामने मैं शहनाई बजाऊं? हाँ, मुरली, देवी देवताओं का अपमान नहीं करते बेटे। पिताजी, लोगों के सामने बजाने पर वो प्रोत्साहित करते हैं, तालियां बजाते हैं, सम्मान में इनाम भी देते हैं। पत्थर के सामने बजाने से क्या मिलेगा पिताजी? हे, देवी देवताओं के बारे में ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से ही तूने शहनाई वादन में ख्याति प्राप्त की है। अगर उनका अनुग्रह नहीं होता तो तू संगीत सीख ही नहीं पाता। पिताजी की बात मान ले। मुरली, पीढ़ियों से उस मंदिर में शहनाई हम ही बजाते आ रहे हैं, ये सौभाग्य मेरे साथ खत्म ना हो जाए। गाँव वासियों को मेरी नमस्ते। इस भव्य मंदिर में नाग पंचमी का महोत्सव आरंभ होने वाला है। हर साल परंपरा अनुसार इस भव्य मंदिर में विद्वान श्री मनमोहन शास्त्री जी शहनाई बजाते आए हैं, लेकिन आज पहली बार उनके सुपुत्र शहनाई में ख्याति प्राप्त श्री मुरली शास्त्री यहां शहनाई बजाएंगे।
नागपंचमी के महोत्सव पर जो भी कला प्रदर्शन इस मंदिर में आयोजित होती है, तो इस भव्य मंदिर के प्रांगण में वास करने वाली नाग देवी अपनी बांबी से बाहर निकलकर उस कला प्रदर्शन से प्रसन्न होकर दर्शन के साथ आशीर्वाद देती हैं। यदि देवी ने दर्शन दे दिए तो उस कला को देवी ने स्वीकार लिया ऐसा मानते हैं। यदि नाग देवी ने दर्शन नहीं दिए तो वो कला नाग देवी ने नहीं स्वीकारी है ऐसा हमारा मानना है। और नाग देवी दर्शन देंगी इस विश्वास के साथ श्री मुरली विजयी घोषित हो इस प्रार्थना के साथ ये फूलों की माला इस भव्य मंदिर की ओर से इन्हें अर्पित करता हूँ। इसी के साथ एक और सूचना है, इस संगीत कला के साथ साथ नृत्य कला का भी प्रदर्शन किया जाएगा। नृत्य में ख्याति प्राप्त श्री नटराज की सुपुत्री कुमारी उमा यहाँ नृत्य प्रदर्शन करेंगी। सुनिए, जब तक मेरा शहनाई बजाना खत्म ना हो जाए तब तक यहाँ कोई नृत्य नहीं करेगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, शहनाई वादक के नाम से पूरा देश मुझे जानता है। मेरी शहनाई सुनने के लिए यहाँ हजारों लोग जमा हुए हैं। मेरी शहनाई की आवाज सुनकर वो नाग स्वयं यहाँ नृत्य करेगा। ऐसे शहनाई में ख्याति पाने वाले मुझे इस मंच पर बुलाकर मेरे सामने हेरे गहरे को बुलाकर नृत्य कराएंगे तो मेरे गौरव का क्या होगा? अगर उसे यहाँ नृत्य करना ही है तो सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नाग या नाग देवी को आने दो, मेरे शहनाई बजाने को जब यहाँ के लोग स्वीकार लेंगे उसके बाद जिसको चाहे नाचना नाचे। भैया पहले इन्हें ही बजाने दीजिए, उसके बाद ही उमा नृत्य करेगी। किससे खुश होकर नाग देवी आएगी लोग स्वयं देखेंगे, तब किसकी विजय हुई है ये स्वयं देवी तय करेंगी। बजाना बहुत हो गया। धर्म सिंह जी अब नाच करवाइए। तू है
घमंड इंसान को खत्म कर देता है, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। ये कितना सच है देख लिया ना। हाँ, चाहे कितनी ख्याति क्यों ना पाई हो, मगर इस तरह से नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ भैया, इसीलिए तो देवी माँ ने इसकी आवाज ही गायब कर दी। हाँ भैया, सही कहा, चेन्नई से आवाज नहीं निकली, पांपी से सांप भी नहीं निकला। हाँ। जो लोग घमंड करते हैं उनके लिए देवी माँ का ये सबक है। हाँ सही कहा, उस लड़की के नाच में भक्ति थी, इसीलिए देवी ने दर्शन दिए। इसमें अगर जरा से भी शर्म है तो ये अब चेन्नई कभी नहीं छुएगा। Thank you.
इसमें अगर जरा से भी शर्म है तो ये आप शहनाई कभी नहीं छुएगा। इस शहर को अपने हाथों में क्यों लेकर आ रहे हो? ए मुरली, ये क्या बक रहा है? तूने मंदिर में शहनाई बजाई थी ना, उससे वहाँ के लोगों ने खुश होकर तुझे ये इनाम के रूप में दिया है। हे मुरली, पिताजी, मेरा अपमान किया एक सांप ने, और अब सांप मेरा जानी दुश्मन बन गया है, इसलिए ये हमारे घर में नहीं रहना चाहिए, और ना ही अब आप कहीं जाकर शहनाई बजाएंगे। मंदिर में पहली बार शहनाई बजाने पर एक सांप ने तुम्हारा अपमान कर दिया, उसके लिए सारे सांपों को तुम गलत क्यों समझ रहे हो? अब जब भी किसी सांप को देखता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए किसी भी सांप को मैं जहां भी देखूंगा उसे कुचल डालूंगा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता, यही कौन सा गाना है? अगर ऐसे ही गाऊंगा तो वो आकर मुझे गलत समझ बैठेगी, वो जब सो जाएगी उसके बाद पेट भर के खाऊंगा। और थोड़ी देर में तुझे क्या करती हूँ देख। सुनिए, मुझ में आपको क्या पसंद है? वैसे तो सारी आइटम पसंद है, लेकिन जो सबसे बढ़िया आइटम है वो क्या? पैरों से जमीन को छुए बिना चलती हो ना, बस वही। छह महीने से ऐसे ही चल रही हूँ। एक बात पूछूं? पूछिए ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं नहीं मानूंगी। पूछ लूंगा। पूछे भी। बुरा नहीं मानोगी ना? नहीं जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है नीलवेणी। ये लीजिए। इसमें क्या पानी भर के लाई हो? पीने के लिए दूध है। इतना पियूंगा पेट फट जाएगा। पीजिए ना। तुम पियो। आप पीजिए। तुम पियो। आप पीजिए ना। तुम पियो ना। मैं पी लूंगी। तुम पियो। मैं जाके दरवाजा बंद करके आता हूँ। ये क्या सड़ी हुई बदबू आ रही है, पता नहीं क्या लगा के आई है। सबका सब खा गई, दो तीन प्लेट भी गायब है। अरे बाप रे, अच्छा वो हाथ डाले नहीं तो मेरा हाथ भी खा लेती, सबका सब ठूस लिया। ये खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा। ये काम से, और जो प्लेट खाई है वो, और क्या चाहिए? मुझे ना खून बहुत पसंद है। बकरे का खून ना ला के दूंगा। सिर्फ खून ही नहीं जी, पाए को चूस चूस के खाना पसंद है। बकरे के पाए ना, वो भी किलो में ला के दूंगा, कोने में बैठ के दबा के खाना। और मुझे रोज एक सिनेमा लेके जाना। लेके जाऊंगा, शाहरुख खान की फिल्म, सलमान खान की फिल्म, आमिर खान की फिल्म, अजय देवगन की फिल्म, अभिषेक की फिल्म, या फिर चाहो तो कोई कॉमेडी फिल्म ले जाऊंगा। वो सब नहीं, 20 साल बाद खूनी रात, शमशान, कब्रिस्तान। अरे बाप रे, ये सारी तो रामसे ब्रदर्स की फिल्में हैं, बहुत डर लग रहा है। अच्छे से ऐसा मत कर, ऐसी बातें करेंगे तो सुबह हो जाएगी। आजा आजा, हड्डियां चुभ रही हैं। अरे छोड़ना, अरे छोड़, अरे छोड़ना, अरे छोड़ना मुझे। बाप रे, एक बार और पकड़ना। अरे हड्डियां टूट रही हैं, मेरी पसलियां टूट रही है, पीछे क्या केला है। ओहो, छोड़ना छोड़ना, अब से ऐसा मत पकड़ना। चार पाई पर तुम उस तरफ, मैं इस तरफ, बिना पकड़े ही। बदबू आ रही है, मेरे से दूर ही रहना, चला जा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों? उस दिन मंदिर में अपनी बातों से मैंने तुम्हारा मन दुखाया। वो तो मैं तभी भूल गई। तुम भूल सकती हो, लेकिन
मेरा जमीर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, इसलिए माफी मांगने के लिए आया हूँ। आपको माफ करूँ इतनी मेरी औकात नहीं है। आपको मैंने पहले देखा नहीं था पर बहुत सुना है। आपके शहनाई बजाने पर मैंने नाचा, इस बात की मुझे खुशी है। नहीं, खुश तो मैं हो रहा हूँ। लग रहा था जैसे स्वयं मेनका धरती पर आ गई हो। मैं तो उसमें खो गया था। तुम्हारे नृत्य के सामने मेरा शहनाई वादन कुछ भी नहीं है। आप मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं। मैं चलती हूँ। माता, आप अभी तक सोई नहीं क्या? क्यों नाग माता, यूं खिड़की पे बैठ के आप किसकी राह देख रही हैं? जी और देवी पार्वती। ओहो, अपनी जोड़ी याद आ गई आपको। तो ये बात है, ठीक है, तुरंत जाकर अपनी जोड़ी से मिलके खुशी से बात करना और सुबह को लौट आना। जाइए माँ, खुशी से जाइए। एक साथ देख कर तो मैं धन्य हो गई। सांप, तेरे लिए भक्ति बड़ी है और कला छोटी है। मेरा शहनाई वादन सुन के तालियां बजाने वाले लोगों ने मेरा ही अपमान किया तेरी वजह से। तुझे नहीं छोड़ूंगा,
जान से मार दूंगा। नाग और नागिन में से तूने नाग को मार डाला, अब ये नागिन तुझे जान से मारे बिना नहीं रहेगी। बदला लेगी मुझसे? तू कहीं भी चली जा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे नागराज को मार दिया, तू क्या समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे जान से मार डालूंगी। तेरा भी तेरी पत्नी से मिलन नहीं हो पाएगा, तुझे मैं मार दूंगी। जो दुख मैं सहन करूंगी वही दुख तेरी पत्नी भी सहन करेगी। सौगंध लेती हूँ, सौगंध लेती हूँ, सौगंध लेती हूँ। भाभी, भैया के लिए खाना बनाना, उनके लिए कपड़े धोना, अब ये सब तुम ही करोगी? तू चिंता मत कर, मैं ऐसा धोऊंगी कि वो आगे धुलवाना ही भूल जाएंगे। भाभी, पहली पहली बार अपने हाथों से ज्यादा शक्कर डाल के एक कप चाय बना के दो ना। ये बात है, रुक देती हूँ। ये क्या, सब लोगों के मुँह से थूक निकलता है, तुम्हारे मुँह से आग निकल रही है? ये क्या, इसका हाथ तो राशन की दुकान तक जा रहा है। सुनो, तुम चाय लाइट पीते हो या स्ट्रांग पीते हो? ये क्या भाभी, तुम्हारा मुंह पीछे की तरफ आ गया है। ये कौन सी बड़ी बात है, मेरी माँ तो बिना सर के एक महीने तक रही थी। क्या, उनका सिर नहीं था? हाँ, अगर तू कहे तो तेरा सर भी ऐसे ही घुमा दूँ क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाय भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भूत हूँ ये बात तेरे सिवा कोई और नहीं जानता। अगर ये बात किसी को पता चली तो तेरी आंखें निकाल कर, जबान खींच कर अंतड़ियां निकाल दूंगी। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ऐसे कहेगा तो नहीं मानूंगी। कपूर के ऊपर हाथ रख के कसम खा, इस समय कपूर नहीं मिलेगा। मेरे होते हुए ऐसी क्या चिंता, ले ले। मैं किसी से नहीं बोलूंगा, मैं कसम खाता हूँ। अच्छा? नाग माता, आपके साथी को किसी ने मार डाला ये सुनकर मैं तड़प उठी। उस खूनी दरिंदे को आपने यूं ही छोड़ दिया? ओ, ये बात है। नाग माता, ये दूध तो पी लीजिए। अगर आप ही भूखी रहेंगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, मेरे खातिर खा लीजिए। पी लीजिए, पी लीजिए माँ।
मुझसे प्रेम कर रही है, उसकी पत्नी बनना चाहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों रे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे हलक तक दारू उड़ेल रहा है? वहाँ कौन है, तेरा भाई है क्या? लगता दिमाग में चढ़ गई है, ये पी के बंद करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में वो भी सुबह सुबह बैठकर शराब पी रहे हो? ये थोड़ा चकना लेकर आओगे क्या? चकना चाहिए, तेरा बस चले तो तू मुझे ही चाट कर रख देगा। चलो उठ। बुरा मत मानिएगा भैया। क्यों उठ नहीं पा रहा है? भाभी के बारे में पूछने के लिए ही मैं इसे शराब पिला रहा हूँ। भाभी के बारे में पूछना है तो मुझसे पूछना, इससे पूछ के क्या फायदा? तुझसे पूछने पर तू लड़की कहेगा, मेरे से पूछने पर ही तो कहूंगा कि भूतनी है। भूतनी? नहीं तो क्या, कोई परी है? भूतनी है, वो भी साधारण भूतनी नहीं है, उपले थापने वाली गोमती और गाय चराने वाले गंगू की क्रॉस ब्रीड है वो। ये क्या दोनों का मिलन है भैया? आखिर में मेरी पत्नी भूतनी निकली? आखिर में नहीं, वो पैदाइशी भूतनी है। पैदाइशी भूतनी? हाँ भैया, बात ये है, एक लड़के से मैंने तुम्हारी बीवी की शादी करवाई थी। मेरी पत्नी बनने के बाद? नहीं नहीं, जब वो कुंवारी थी तभी मैंने उसकी शादी करवाई थी। यानी मेरा परिवार सड़ा नहीं है? पूरा सड़ा हुआ है, कहानी तो सुन। वो अल्पायु में ही मर गया, इसी दुख में वो भी मर के भूतनी बन गई। अब तेरी पत्नी है भूतनी। अरे बाप रे। भैया मुझे बहुत डर लग रहा, पहले उस भूतनी को निकालिए। उसे इतने आराम से नहीं निकाल सकोगे, लेकिन एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? हाँ, इसी तरह की एक और बोतल लाकर मुझे दे दो। हाँ, जैसे बहुत बड़ा खजाना बता रही है ना, तो पूरी बोतल चाहिए। अरे बाप रे, गंजे पे हाथ मारा तो कमर में पैर लटके हैं, फिर भी गले तक शराब चढ़ाया जा रहा है। उस भूतनी के साथ मैं जीवन कैसे बिताऊंगा? उमा, तुम चली क्यों गई? मेरा बजाना अच्छा नहीं लगा? अकेले में कोई खुश रह सकता है, ये संदेह था मुझे, पर अब वो संदेह चला गया। क्यों उमा, ये क्या बोल रही हो? नहीं, अकेले बैठ के कुछ सोच के आप हंस रहे थे ना, इसलिए ऐसा कहा। कुछ और नहीं उमा, तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम्हें निहार रहा था। उमा, उमा, thank you.
चिल्लाया क्यों? क्या हुआ बेटे? एक सांप बुरी तरह मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन कहां गायब हो गया कुछ पता नहीं। ए, उस दिन तूने एक नाग को कुचल डाला, जब मुझे पता चला तभी मैं डर गई थी। सर्प हत्या महापाप होता है। ओहो, अब वो नागिन तुझसे बदला लिए बिना नहीं रहेगी। हाँ बेटे मुरली, नाग दोष हमारा सर्वनाश कर देगा। नाग दोष दूर करने पर ही तुम बचोगे। रहने दो पिताजी, मैं किसी दोष निवारण को नहीं मानता हूँ। कितने ही लोग सांप मार के उसकी केंचली बेचते हैं। सुनो, उस सांप से मैं खुद निपटूंगा, उसे मैं मार कर ही रहूंगा। माँ। आई दादाजी। क्या बात है बेटी? कुछ भी तो नहीं दादाजी। उमा, कुछ दिनों से तुम्हारे चेहरे पर हल्के से बदलाव आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तुम जरूर मुझसे कुछ बताने में हिचकिचा रही हो, ऐसा लग रहा है। जो भी बात हो मुझसे बताओ बेटी। वो हाँ बताओ बेटी, अब बताओ भी। वो शहनाई वादक मुरली जी है ना? हाँ तो? वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाँ, तुम भी उसे चाहती हो ना? ये बात है। दादाजी, आपको इस बात से खुशी तो है ना? तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना ही तो मेरा कर्तव्य है। जब तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो फिर भला मुझे क्यों होगा? मुझे आशीर्वाद दीजिए दादाजी। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। तुम ये काम करो, तुम्हें मुझे सौंपने वाली उस देवी माँ से आशीर्वाद लेकर आ जाओ। नाग माता, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। मेरी शादी होने वाली है। दादाजी तो राजी हो गए, तुम भी राजी हो ना? ये क्या कह रही हो नाग माता, तुम्हें वो पसंद नहीं? तुम जरूर उनके बारे में गलत समझ रही हो। वो बहुत अच्छे हैं नाग माता। अपनी देवी माँ से उनके लिए आशीर्वाद मांगने जा रही हूँ। तुम भी आओगी ना क्या? क्या ज्यादा नखरे दिखा रही हो? हाँ रुको रुको, मैं आके बात करती हूँ। क्यों नाग माता, अच्छे कार्य में विघ्न क्यों डाल रही हो?
ओफो, अब मेरी समझ में आई बात। मेरी शादी हो गई तो तुम्हें छोड़कर मैं अकेली पति के घर जाऊंगी ये सोच रही हो? चिंता मत करो, तुम्हें साथ लेके ही जाऊंगी। अब मुझे जाने दो, मैं चलती हूँ नाग माता। hey, जल्दी चलो। अंदर छुपने से बच जाएगी सोचती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। hey, तोड़ दो इसे। रुक जाइए, मेरी माँ का घर क्यों तोड़ रहे हैं आप? ये घर नहीं है, एक जहरीली नागिन की बांबी है। वो जहरीली नागिन नहीं है, मुझे पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है, मेरी रक्षा करने वाली कुल देवी है। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये मेरी जानी दुश्मन है। दुश्मन कहा, वो कैसे? हाँ, क्योंकि उसका नाग मेरी घोड़ा गाड़ी के नीचे आके मर गया। आपने उसे मारा? हाँ, और ये मुझसे बदला लेना चाहती है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम हट जाओ। चाहिए, सुनिए, दया करके मेरी बात मान लीजिए। कौन सी माँ अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ना चाहेगी, बोलिए। उमा, पागलों सी बातें मत करो। सांप को चाहे जितना भी दूध पिला लो, लेकिन दूध पिलाने वाले को ही वो डस्ट लेता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम हट जाओ यहाँ से। चाहिए, मेरे जीते जी अपनी माँ पे एक आंच भी मैं नहीं आने दूंगी। उमा, तुम्हें कौन चाहिए, मैं या फिर ये जहरीली नागिन, बताओ। दोनों में से कौन चाहिए? मुझे तो आप दोनों ही चाहिए। नहीं, दोनों में से एक ही मिलेगा। उमा, या तो तुम उस सांप को भूल जाओ या फिर मुझे भूल जाओ। किसे भूलना चाहती हो अभी बताओ। मुझे बस थोड़ी मोहलत दीजिए, मेरी माँ करुणाकारी है, आपने जो पाप किए हैं उनके निदान के लिए मैं आपके लिए व्रत रखूंगी। व्रत? मंगलसूत्र का सौभाग्य चाहिए या ये जहरीली नागिन, इसका तुम ही फैसला करो। चलो रे, चलो। रुकिए। ये क्या सांप? नाग माता, आपकी इतनी हिम्मत कि मेरे जीते जी आप इन्हें मारना चाहती हैं? आपको अपनी कसम पूरी करनी है, इनसे बदला लेना है, तो लीजिए मुझे मारिए, मुझे मार दीजिए, मार दीजिए मुझे। आप जाएंगी कि नहीं? देखिए, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उमा, ये क्या कह रही हो? आप
दे। माती नाग देवी, मुझे पाल पोस के बड़ा करने वाली तू ही मेरी जिंदगी के बीच में आ गई, तब मैं न्याय किससे मांगूंगी? उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ माते। उनके किए पाप के पश्चाताप के लिए मैं तुम्हारे मंदिर में याचना करके मन्नत मांगूंगी माते। मेरे लौटने तक माते, जब मैं वापस आऊंगी तब तक अगर तुमने इस दूध को पी लिया तो समझूंगी तुम्हारा मन बदल गया, तुम मेरी शादी के लिए राजी हो ऐसा मैं समझूंगी, अपनी कसम को तोड़ दिया ऐसा मैं समझूंगी। सर्व दोष दूर करे तू देवी माँ, इस दुखिया का उद्धार भी हो देवी माँ, जो शुभ से शुभ तू मांग मेरी भरी रहे ये मुझ वरदान दे माँ, मुझे वरदान दे माँ। द्वारे पे आई हूँ मैं भिक्षा में जीवन दे माँ, करुणा की देवी है तो करुणा कर है जाने न देना। द्वारे पे आई हूँ मैं भिक्षा में जीवन दे माँ, करुणा की देवी है तो करुणा कर हे देवी माँ। शेर वाली अम्बे माँ तू ही जगदम्बे माँ, करुणाकारी तू ही माँ दोष निवारण तू ही माँ। शेर वाली अम्बे माँ तू ही जगदम्बे भक्तों के जीवन में कर देकर खुशियां भरे तो उनके जीवन में, नाग दोष मुक्त करे भक्तों के जीवन में कर देकर खुशियां भरे तो उनके जीवन में। करते पूजा तेरे धन्य तुझे कहते हैं, तेरे ही नाम से हम दुख सारे सहते हैं। आँख खोल देवी एक झलक देख ले माँ, दया की देवी आज दया कर दे तू माँ। शेरा वाली अम्बे माँ तू ही जगदम्बे माँ, करुणाकारी तू ही माँ दोष निवारण तू ही माँ। शेरा वाली अम्बे माँ तू ही जगदम्बे माँ, करुणाकारी तू ही माँ दोष निवारण तू ही माँ। द्वारे पे आई हूँ मैं भिक्षा में जीवन दे माँ, करुणा की देवी है तो करुणा कर हे देवी माँ।
सी देवी ममता लुटा दे आजा मां। आदि पराशक्ति है तू, सर्व लोक देवी है तू, जग जाने तेरी महिमा तो है सी देवी मां। के फैसले में कोई बदलाव नहीं, ये बिना कहे कह दिया, यही है ना माँ? अब अपना फैसला मैं खुद ही कर लेने वाली हूँ, चलती हूँ माँ। आज्ञा दीजिए। क्यों मेरे साथ आ रही हो? ना मुझे जीने दे रही हो, ना मुझे मरने दे रही हो, मुझे जिंदा रख के क्यों परेशान कर रही हो? आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आहा, ये वादियाँ दिखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना। प्राणा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुझे मारने के लिए लाया हूँ। अपनी बीवी को आप खुद मारेंगे? क्या लेबर दे के मरवाऊंगा क्या? तू लड़की नहीं है, भूत नहीं है, चुपचाप नीचे कूद जा। नहीं जी, हम लैला मजनू, हीर राजा, रोमियो जूलियट की तरह जिएंगे जी। वो लोग पहले ही मर चुके हैं, इसीलिए तुझे भी मारने के लिए लाया हूँ, चुपचाप कूद जा जा। नहीं जी, तू ऐसा नहीं मानेगी। तुझे मारने के लिए मैं दो चक्कर लगा के ही तुझे धक्का दे दूंगा, ठीक है? मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। हाँ, ठीक से बंद कर। मुझे मारना चाहते थे, देखा? मैंने ही तुम्हें मार दिया। आज से तुम भी मेरी तरह भूत बनकर डर डर भटकोगे। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना, ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? लड़की देखने नहीं जाना है? क्यों री, मुरली को भी साथ ले जाना है ना। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए कोई लड़की मत देखो। पिताजी, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अब तुम क्या बोलती हो? करूंगी, जैसे बहुत बड़ा काम है ना। मेरी बात सुनिए, लड़की वालों को हमने पहले ही खबर भिजवा रखी है, मेरी छोटी बहन भी वहाँ अपने पति के साथ पहुँच जाएगी। अब अगर ऐसे में हम नहीं पहुँचे तो कल हमारी इज्जत का क्या होगा? इसलिए जाके लड़की को देखते हैं, अगर लड़की पसंद आ गई तो हाँ कर देंगे। क्यों जी, आपने भी तो ऐसे ही मंगलसूत्र पहनाया था मुझे। पिताजी, जल्दबाजी करके उमा के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी थी, मुझे देवी माँ ने क्यों पाला पोसा? बचपन में मुझे लोरी सुनाई, मुझे दूध पिलाया, अब क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया? मेरे पैदा होते ही मुझे जान से मार देना था, लेकिन अब जब मुझे एक अच्छा जीवन मिल रहा है तो क्यों बर्बाद कर रही है वो? उसके सामने मैं रोई और गिड़गिड़ाई, इस दोष का क्या निवारण है ये भी मैंने पूछा, लेकिन वो गूंगी हो गई। उसे सुहागन का सौभाग्य देने वाली बोलते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन उसके चरणों में बिताया, लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर से अनाथ हो गई। अब मैं जी के क्या करूंगी, क्या करूंगी? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं? बोल माँ, बोल, तुझसे ही पूछ रही हूँ, बोल, बोल माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं है, बोल। माते, इस जग में जन्म लेने वाला कोई भी अनाथ नहीं है। तुम अमंगल करने वाली महामाई गूंगी, साथ छोड़ दिया ऐसा कहा था ना, समझ लो मैं वही हूँ। बिना कारण कुछ नहीं होता, परीक्षा के बाद ही फल मिलता है,
तूने कहा तू जन्म से अनाथ है, लेकिन तुझ अनाथ को जिसने पाला पोसा वो तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। उस पे विश्वास रख, जिसे तू चाहती है वही तुझे मिलेगा। चल देख लेना, हमारे मुरली को ये लड़की बहुत पसंद आएगी। हाँ ये बात तो मैं भी जानता हूँ। पूजा का सारा सामान है ना? हाँ। ये लड़की यहाँ कैसे, और साथ में वो भी? ये क्या, नई लड़की को देखने के लिए जा रहे थे तो पुराने वाली सामने आ गई? बिल्कुल सही कहा, ये तो एक तरह का अपशगुन है। ऐसा मत कहो, ये तो शुभ शगुन है। आप कौन है? इस लड़की को चाहने वाली, इतना ही नहीं आप सबकी भी। महाबाते, ये कैसी परीक्षा है? ये परीक्षा नहीं है, आपके बेटे की पहले जिससे शादी तय की है, यानी इसी से शादी करा दो, सारे कार्य मंगल होंगे। अब इसमें सोच क्या रही हो, जब इन्होंने ये बात कह दी है तो तुम हाँ कह दो ना। बात ही नहीं है, हमारे बेटे को नागदोष है ये जानते हुए भी। चिंता मत कीजिए, आपके बेटे की दीर्घ आयु है, इसका सुहागन स्वभाग है, कोई भी दोष कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, वो नागिन मेरे बेटे की शादी कैसे रोकती है मैं भी देखता हूँ। मालिक आइए आइए। मालिक हाँ, जैसा आपने कहा था मैंने चारों तरफ आग लगा दी है। ठीक है ठीक है, हाथों में लाठी लेकर तैयार रहना, सांप को देखते ही मार डाल। अच्छा। जाओ तुम चिंता मत करो, सब मैं संभालूं। सबके पास ले जाओ, सब लोग आशीर्वाद दीजिए। कन्या का मंगलसूत्र पहनाइए। Oh!
सुनिए आपको कुछ नहीं होगा। नाग माता ये क्या किया? सुनिए, देखिए मेरी तरफ देखिए, कुछ नहीं होगा आपको। मेरी जो सौगंध ली थी आज वो पूरी हो गई। नागिन ने मेरे बेटे को जीते जी मार डाला। क्यों री, दिल भर गया? ठंडक पहुंच गई? अब तो तू खुश होगी ना, मेरे अच्छे खासे बेटे की तूने जान ले ली। तू तो एक मनहूस है, पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई और शादी होते ही अपने पति को खा गई। ऐसी मनहूस लड़की का तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। बेटे मुरली, भाग यहाँ से, मेरे बेटे की लाश को भी तू मत छूना, निकल यहाँ से। मेरे पति को छूने के लिए मना करने वाली आप कौन है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। माँ बाप को जो अधिकार मिलता है वही अधिकार पत्नी को भी मिलता है। क्या हम लोगों से लड़ना चाहती है? लड़ाई तुमसे नहीं है, मुझे पालने वाली देवी और मेरे बीच में लड़ाई है। लोकेश्वरी ब्रह्मांड में ख्याति पाने वाली देवी माँ, उस महा माता और मेरे बीच में लड़ाई है।
बता दे, मंगल सूत्र की भिक्षा दे, कुमकुम बिंदिया तू दे दे, तेरे भाव तो लौटा दे, लौटा दे, लौटा दे, लौटा दे। पूजा करने वालों को सुहागन का सौभाग्य मिलता है ये बात, और पूजा करने वालों पे करुणा बरसाती हो ये तुमने साबित कर दिया। माँ देख लिया ना, माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ विश्वास बेकार नहीं जाता, प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। विधि का विधान चाहे कैसा भी हो, नाग मनुष्य का बुरा नहीं चाहते। उस नागिन का तुम्हारे द्वारा निधन होगा, ये उसका विधान है। उसी तरह तुम्हारी पूजा अर्चना से तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस मिला, ये तुम्हारा विधान है। माता महेश्वरी, लोक माता, पराशक्ति, पराशक्ति, जग की लोकेश्वरी। माता, माता, नागेश्वरी। माते, अनजाने में जो मुझसे पाप हुआ उसकी सजा देकर मुझे फिर से जिंदगी लौटाई, ये मैं जीते जी कभी नहीं भूलूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी, तुम्हारे मंदिर में शहनाई
गूंजती रहेगी बातें, गूंजती रहेगी।